तो चलिए आज बनाते हैं गुलाब की पत्तियों से नेचुरल गुलाब का शरबत। और क्या आपको पता है ये ब्रेन और स्टमक दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन डिलीशियस। गर्मियों में रोज सिरप हम सबके घरों में बहुत ही यूज किया जाता है, चाहे वो हम शरबत के रूप में यूज करें या फिर हम उसका मिल्क शेक बनाए। तो चलिए आज बनाते हैं नेचुरल तरीके से गुलाब का शरबत। शरबत बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम गुलाब की पत्तियां ली है। इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और नीचे के ये जो इसके डंठल होते हैं इनको अलग कर दिया है। इसे रोज हिप्स बोलते हैं, तो इसको फेंकना नहीं है। इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया है और पानी से अच्छे से धो लिया है। तो गुलाब की पत्तियों को इस पैन के अंदर मैं डाल दूंगी। पत्तियां अच्छे से धुली हुई है और पानी से धो के साफ किया हुआ है। अब इस पैन के अंदर डालेंगे करीब 400 ग्राम के करीब पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और रात भर हमें इन पत्तियों को भिगो के रखना है। तो 250 ग्राम गुलाब की पत्तियों के अंदर करीब 400 ग्राम पानी डालेंगे, पत्तियां जिसमें अच्छे से भीग जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इसके अंदर। और अब इसको ढक के हम रात भर ऐसे ही भिगो देंगे। गुलाब की पत्तियां पूरी रात भर पानी में भीग रही थी। अब मैंने इसको गैस पर रख दिया है फ्लेम ऑन करके। तो अब इसको हमें इतना बॉईल करना है, पानी जो है ये इसके अंदर वो आधा रह जाए। उससे जो गुलाब की पत्तियों का जो नेचुरल जो टेस्ट है और फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाएगा। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे और हाफ होने तक हम इसे बॉईल करेंगे। तो 10 से 15 मिनट इसको लो मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए हो गए हैं। पत्तियां सारी वाइट हो गई है, तो इसका जो कलर और फ्रेग्रेंस है वो सब पानी में आ गई है। मैं इसकी खुशबू को पूरे किचन में महसूस कर पा रही हूँ। तो मैं फ्लेम को अब बंद कर रही हूँ। तो अब हम इसको एक बड़े भगोने के अंदर छान लेंगे। तो ये पत्तियां जो है ये सारी वेस्टेज है, इनको हम फेंक देंगे। इनका एक्चुअल में जो नेचुरल कलर है और फ्रेग्रेंस है वो सारी इस पानी के अंदर आ गई है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा गुलाब जल, ये 1 टेबल स्पून है। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके अंदर रेड फूड कलर, थोड़ा सा डालना है 2 से 3 ड्रॉप। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये 1 किलोग्राम चीनी। चीनी को चेक कर लें एक बार डालने से पहले, कोई कचरा ना हो इसके अंदर। तो चीनी डाल के एक बार इसको हिला लें। और अब हम इसको गैस पर बॉईल करेंगे। तो मैंने इसे गैस पे रख दिया है 5 से 7 मिनट तक। जब तक चीनी इसके अंदर घुल जाए तब तक इसे लगातार चलाना है, वरना चीनी जो है वो बॉटम पर चिपक जाएगी। चीनी अच्छे से घुल गई है। अब इसको 5 से 10 मिनट तक हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, जिससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो 10 मिनट इसको गाढ़ा होते हुए हो गए हैं, चाशनी अब गाढ़ी हो गई है। ये जब इस तरह से एक तार की चाशनी बन जाए तो बस गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। तो लीजिए, हमारा गुलाब का शरबत तैयार है। और ठंडा होने के बाद मैंने इसे बॉटल में भर लिया है। तो एक बॉटल जो है हमारी बहुत ही कम पैसों में तैयार हो गई है, जस्ट लगभग उससे आधी रेट में, जिसमें एक बॉटल बाजार से आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और नेचुरल तरीके से। तो चलिए शरबत बनाते हैं। तो थोड़ी सी डालते हैं आइस, थोड़ा सा डालेंगे इसमें शरबत, साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो लीजिए, शरबत तैयार हो गया, टेस्ट कर लिया जाए। बना के देखिए, डिफरेंसेस आप खुद ही महसूस करेंगे। होप कि आप सभी को रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मिलेंगे जल्दी ही।